कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन। राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी डॉक्टर राकेश बी दुबे संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में हुए शामिल। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आज हिंदी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी डॉक्टर राकेश बी दुबे, पोलैंड के डॉक्टर सुधांशु शुक्ला, साहित्यिक अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा और विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी अध्यक्ष प्रोफेसर लालचंद गुप्त मंगल मुख्य रूप से शामिल हुए। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आज हिंदी दिवस के अवसर पर आज़ादी में साहित्यकारों का योगदान विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस संगोष्ठी में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा मुख्य अतिथि रहे। विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग, युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग तथा इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर स्टडीज के संयुक्त तत्वाधान में हुई इस संगोष्ठी में कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा, हिंदी दिवस की मैं अपने सभी अध्यापकों को, सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टाफ मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदी हमारी अपनी राजभाषा है और हिंदी में कामकाज करते हुए जो हमारे को सरलता रहती है वो दूसरी भाषाओं में नहीं रहती। इंग्लिश में हम बहुत समय से काम कर रहे हैं, परंतु ये देखने में आया है कि इंग्लिश में काम करने में हम लोग उतना कंफर्टेबल कभी नहीं फील करते जितना कि हिंदी में, क्योंकि हिंदी हमारे जन जन की भाषा है, जबकि इंग्लिश जैसी भाषा केवल कुछ मात्र लोग ही इसको बोलते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आज हिंदी दिवस पे हमने हिंदी भाषा का हमारी आज़ादी में, हमारी स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा है, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे बहुत से लेखक कवि इकबाल से लेकर माखनलाल चतुर्वेदी तक, जहाँ पर उन्होंने कहा हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसी तरह एक फूल की अभिलाषा कि हे माली मुझे तोड़कर उस पथ पर देना फेंक जिस पर पथ पर शीश निभाने जाते हैं वीर ने, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा। तो ये सारी जो उस समय की उनकी लेखनी से इस तरह की कविताएं या लेखन निकले, उन्होंने पूरे जन जन में एक आज़ादी के प्रति बहुत ही उत्साह की लहर पैदा करी और उसका नतीजा ये हुआ कि एक बहुत बड़ा आंदोलन देश के अंदर हुआ और हम सब लोग आज़ाद हो गए। तो आज इसी उपलक्ष्य में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का यहाँ पर आयोजन हुआ जिसमें बाहर से प्रतिभागी अलग अलग जगह से आए हुए उसमें अपना प्रतिभागिता कर रहे हैं और उसमें अपने शोध पत्र वो पढ़ेंगे। तो मैं इस अवसर पर सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। ये हरियाणा और हिंदी का गर्भनाल का संबंध है। हिंदी के अनेक सेवी क्रांतिकारी इसी धरती से निकले हैं। मेरा इससे पहले कभी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय या कुरुक्षेत्र में आना नहीं हुआ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज हिंदी दिवस के इस अवसर पर मुझे यहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आने का अवसर मिला है। आज का जो कार्यक्रम है वो विशेष रूप से अमृत महोत्सव और हिंदी दिवस पर केंद्रित है। इस अवसर पर हमें यह याद रखना होगा और लोगों को यह याद कराना होगा कि जिस हिंदी को लेकर के हम सब की भावनाएँ आज दिखाई दे रही हैं, वैसे ही और उससे भी ज़्यादा क्रांतिकारी भावनाएं इस हिंदी के माध्यम से हमारी स्वाधीनता सेनानियों ने प्रकट की थी। हमें उस भावना को बनाए रखना है, लेकिन साथ ही साथ ये प्रयास करना है कि कहीं हिंदी हमारी पीछे तो नहीं जा रही है। इसलिए सबसे पहले हिंदी को आगे बढ़ाना है, हिंदी को आगे रखना है और तभी हमारे लिए और आप सभी के लिए आज जैसे कार्यक्रम सार्थक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहाँ भाषा के दृष्टि से भी हमें एक आज़ादी का एहसास होना चाहिए कि जो कुछ हमारा है उसमें हमें सारे संसाधन मिले, ये बहुत बड़ी बात है। उस पर बड़ी गंभीरता से जहाँ विचार हुआ है
और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से भी ये पहल करके की गई है। बधाई देता हूँ इस बात की, और हरियाणा साहित्य अकादमी इस बारे में जितने भी शोधार्थी हैं उनके शोध पत्र भी प्रकाशित करेगी और हम यहाँ विद्वानों को भी सम्मानित करेंगे। धन्यवाद। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के UM सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग, हिंदी विभाग और IIHS संस्थान की ओर से ये हिंदी दिवस का आयोजन किया गया और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कुलपति जी ने भाग लिया और इसके साथ ही महामहिम राष्ट्रपति जी के OSD राकेश बी दुबे जी, सुधांशु शुक्ला जी, आदरणीय लालचंद गुप्त मंगल जी और डॉक्टर प्रीतम सिंह और इसके साथ ही बहुत सारे विद्वान आए जिन्होंने हिंदी के विषय में अपना व्याख्यान दिया। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर संजीव शर्मा जी भी हमारे बीच में पहुँचे उत्साहवर्धन करने के लिए। मेरी ओर से इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी विद्वानों को, मुख्य अतिथि को और प्रतिभागियों को, शोधार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि निज भाषा उन्ती है सब उन्ती को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान की मिटत नहीं हो को सूल। सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।